तो यार ये गाड़ी है जिससे हम लोग जाने वाले हैं अपने सफर पे, और ये लौंडा है, और इस लौंडे का नाम है पुछपुछ, अब बोले तो अपना अमित। देख रहे हो कैसे सो के उठा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ से सफर पे निकलने वाले हैं, और निकलने से पहले यहाँ पर पूरी गाड़ी की तैयारी हो रही है, और ये इसका डैशबोर्ड खोल के इन्होंने चेक कर लिया है। देख रहे हो कैसे मुस्कुरा रहा कुछ कुछ मेरा। हो गई सुबह? हो गई सुबह। क्या बजे उठे थे? साढ़े सात बजे जाने का प्लान था भाई साहब, उठे 7:30 बजे। अब क्या ही बोले, जाना इन्हीं के साथ है, रास्ते में इन्हीं को झेलना क्या कर सकते हैं। यार अभी एक और साथी मिल गए, और इनको भी हमने रिसीव कर लिया है, पीछे बैठे हैं नरेन। कितनी देर लगी हम लोग को आने में? अब परेशान किसने किया? नरेन भी मिल गए, अभी एक और साथी को लेना है, हम लोग सीधे उन्हीं के पास जा रहे हैं, और उनको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे, तो मिलते हैं सीधे उन्हीं के पास। ये पांडे जी, अब इनको भी हम लेने आ गए। क्या तैयारी है पांडे जी? देखो गाड़ी में पीछे बैग रखना है, और तीनों लोग रख रहे हैं, एक आदमी का काम तीन लोग कर रहे हैं। तो यार अभी का सीन ये है कि हम लोग 9:30 बजे लखनऊ से निकल गए थे, और हरदोई पहुंचने वाले हैं, हरदोई ज़िले में है। अभी हम लोग कहीं रुक के चाय वाय पियेंगे, और हमारे साथ के जो हमारे मित्र हैं, मित्र दोस्त, किस लिए रुके हैं? देखो किस लिए रुके हैं, 1 2 3। समझ तो गए होगे, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। मूत्र विसर्जन, मूत्र विसर्जन के लिए रुके थे, और मूत्र विसर्जन हो गया, आगे रुक के हम लोग कहीं चाय वाय पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मौसम के बारे में क्या कहना चाह रहे पांडे जी? तो यार अभी हम लोग रुके हैं हरदोई के आगे आकर के, सुबह से निकले हुए 3 घंटे हो गए, चाय नाश्ता किया नहीं है, तो सोचा आगे आके थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो शाहजहांपुर से पहले एक जगह पड़ती है शाहबाद, उससे पहले ही यहाँ पर एक ढाबा है, यहाँ रुके हुए हैं। यह है मिलन ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, काफी अच्छा बना हुआ है, व्यवस्था अच्छी है यहाँ की, अंदर बैठने की व्यवस्था है, और ये सामने इनका रेस्टोरेंट जहाँ पे ये सारा बनता है। पानी चाय पी लीजिए अब। तो यार ये पूरी सब्जी आई थी घर से, वो खुल रही है, अब ये खाई जाएगी। तो यार अभी का सीन ये है कि हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया, नाश्ते में हमने घर से लाए थे पूरी सब्जी, वो खाई है। यहाँ पे हमने तंदूरी रोटी और आलू टमाटर की सब्जी, बहुत ही लाजवाब थी, टेस्टी थी, लोगों ने खा लिया। अब बारी है, सफ़र में चाय ना हो तो फिर सफ़र पूरा नहीं हो सकता है ना। अब चाय ऑर्डर की है, और चाय लेने वाले हैं, चाय आएगी, चाय पियेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बढ़िया बढ़िया। तो ये चाय आ गई है हमारी मिलन ढाबा पे। तो अगर आप लोग शाहजहांपुर जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्टे जरूर करें, और चाय बहुत ही खूबसूरत चाय है, देखिए कुच्ची, देखिए आप कुल्हड़ की, बहुत ही प्यारी। और ये बेहतरीन मिलन ढाबा, चाय टेस्ट कर ले पहले फिर बता दो। तो यार चाय टेस्ट कर ले, सच बोले या झूठ? अच्छी चाय है,
अच्छी है, बढ़िया है, टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग शाहजहाँपुर जा रहे हैं तो रास्ते में यहाँ रुक सकते हैं, मिलन ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट पे। तो चाय पीते हैं और आगे चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे। कैसी लगी पांडे जी? अमित बढ़िया है, एवरेज है, ठीक है, बढ़िया है। का सीन ये है कि हम लोग ने चाय नाश्ता कर लिया है और चाय बड़ी अच्छी थी। मिलन ढाबा आप लोग आ सकते हैं अगर आप लोग इधर रास्ते पे गुजर रहे हैं, तो चलते हैं अब आगे और मिलते हैं आपको आगे। तो यार अभी हम लोग फिर रुक गए थोड़ी देर के लिए और यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर बचा है नैनीताल, और अब हम लोग यहाँ से नैनीताल जाएंगे। थोड़ी देर के रुके हैं, थोड़ा सा चाय वाय पी लें और गाड़ी को थोड़ा रेस्ट भी दे दें, इसीलिए रुके हैं। हुए हैं खालसा जी रेस्टोरेंट एंड ढाबा, यहाँ चाय पियेंगे हम लोग और उसके बाद आगे चलेंगे। लाल कुआं पहुंच चुके हैं, यानी कि हल्द्वानी से बस थोड़ा सा पहले ही, तो मतलब कि अब पहाड़ दिखने वाले हैं, क्योंकि नैनीताल के जो पहाड़ हैं वो हल्द्वानी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस हल्द्वानी आने ही वाला है और हमको यहाँ से पहाड़ की जो रेखाएँ हैं वो दिख रही हैं रोड से बिल्कुल सामने। पता नहीं आपको दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, पर एक बार फिर भी आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। देखिए आपको दिखाई देता है या नहीं, बादल देखकर। तो यार हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, यह हल्द्वानी मार्केट है, रोड हम लोग तो यार हम लोग हल्द्वानी में हैं और हल्द्वानी से एक फेमस यूट्यूबर है, आप लोग उनका नाम भी जानते होंगे, अपने सौरभ जोशी, तो उन्हीं के शहर में हैं अभी हम। मुश्किल ये कि उनसे मुलाकात हो रही यहाँ पे, कहीं दिख जाएंगे तो अलग बात है। ये रेलवे स्टेशन आ चुका है काठगोदाम, तो ट्रेन से आते हैं वो यहीं आते हैं और ये सब दुकानें, यहाँ चाय नाश्ता मिलता है और इसी में आगे जाकर भी यहीं आपको बस मिलती है जिससे आप सीधे नैनीताल जा सकते हैं। यहीं नीचे जा कर के है काठगोदाम स्टेशन। हम लोग नैनीताल से पहले मुड़ गए हैं दाहिने हाथ पे और हम लोग नैनीताल ना जा करके जा रहे हैं भीमताल, वो भी एक नैनीताल का ही पार्ट है। यहाँ लोग जब नैनीताल आते हैं तो भीमताल घूमते हैं और जब भीमताल आते हैं वो नैनीताल तो घूमते ही घूमते हैं। दोनों ही टूरिस्ट प्लेस हैं, यहाँ भी आपको ताल मिलेगा वहाँ भी ताल मिलेगा। तो हम लोग कल नैनीताल जाएंगे नैनीताल घूमने, आज हम लोग रुकेंगे भीमताल में क्योंकि वीकेंड का टाइम है और छुट्टियाँ भी हैं, तो लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे, भीड़ ज़्यादा होगी, इसलिए हम लोग नैनीताल ना जा करके भीमताल आ गए। और कुछ ऐसा नज़ारा है, पीछे मेरे बैठे हुए पांडे जी नरेन और ये अपने भाई साहब अमित गाड़ी चला रहे हैं, और ये कुछ बाहर का नज़ारा है। सारे ट्रेवलर खड़े हुए हैं, भैया जी अब हम पहुंचने वाले हैं भीमताल। लोग फाइनली भीमताल पहुंच चुके हैं, होटल ले लिया है, ये होटल में यहाँ देखते हैं सब काम और होटल इनका अच्छा है तो अब हम यहीं स्टे करेंगे। तो भैया जी अभी का सीन ये है कि हम लोगों को होटल मिल चुका है और हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन भीमताल पर। अब हम लोग यहाँ पर आज रात सोएंगे और फिर कल से यहाँ के घूमने की शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नैनीताल के नए वीडियोस देखने के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, नए अपडेट होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।